हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। में भूषण आप सबका आपके यूट्यूब चैनल गुड वॉइस में स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो दोस्तों, आप स्वस्थ और मस्त हो ना? टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से तो मेरी हिम्मत बढ़ती। तो दोस्तों, आज हम बड़े ही खास टॉपिक पर बात करने वाले, साल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से पड़ने वाले दिवाली त्योहार की बातें आज होंगी। तो दोस्तों, 2 नवंबर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस का पर्व मनाने जा रहे हैं। बेहद ही शुभ दिन, मैं आपको क्या बताऊं इस दिन के बारे में। आप इस दिन सोना चांदी, गाड़ी, बंगला, फ्लैट कुछ भी खरीद सकते। इसमें आपकी धन की वृद्धि ही होनी, मतलब 13 गुना आपके धन में बढ़ोतरी होगी। इस दिन कुछ भी खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। बेहद ही शुभ मतलब आप इस दिन कुछ भी नया कार्य भी कर सकते हैं। आप अपने नए घर के शुभारंभ भी कर सकते हैं, अपने नए हॉबीज का शुभारंभ कर सकते हैं, अपने नए घर में जा सकते हैं। कुछ भी करना इस दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। 5 दिवसीय दिवाली का त्योहार बड़ा ही पावन मौके और आपकी जिंदगी में नई गोल्डन चांस लेके आने वाला है। इस बात को खासा आप समझ लीजिए। आज आप गुड वाइब्स के साथ इस बार की दिवाली आप सेलिब्रेट करेंगे। तो बेहद ही अच्छी तरीके से हम क्या करना है, कुछ किन बातों का हमें ध्यान रखना है, किन चीजें हम खरीदने, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो दोस्तों, बने रहेंगे वीडियो में लास्ट तक। बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ, कहीं आपके हाथ से छूट ना जाए, तो इस बात का खासा ध्यान रखें। मेरे आने वाले सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी ऐसे ही मिलती चली जाए। तो दोस्तों, आज धनतेरस की बातें करेंगे, क्या करें इस दिन, कुछ खास बातें, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये बातें मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों, 2 नवंबर वार मंगलवार, इस दिन हम धनतेरस पर्व मनाएंगे। इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा होती है। कौन है धन्वंतरी? समुद्र मंथन के वक्त इनका जन्म हुआ था। ब्रह्मांड के सबसे बड़े वेद माने गए धन्वंतरी महाराज, हाथ में कलश लिए ये इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, आज के दिन सोने चांदी पीतल कासे इनका आप कलश खरीदना बेहद ही शुभ है, और आपको खरीदना भी चाहिए। और एक बात का खासा ध्यान रखें, आप इस दिन जो भी बर्तन खरीदे, इस दिन बर्तन खरीदने का भी बहुत ही महत्व होता है। पर इस बात का ध्यान रखें कि आप बर्तन खरीदे, मतलब आप स्टील के, जर्मन के, इन सब चीजों का आपको खरीदना नहीं चाहिए। आप बर्तन में पीतल खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, कांसे का खरीद सकते हैं। तो ये कुछ जो प्रॉपर जो धातु होती है, कुछ अलग टाइप की, जो गोल्ड टाइप में जो धातु होती है, इसके आप बर्तन खरीदे, इन बातों का ध्यान रखें। बर्तन लाते वक्त आपको कभी भी उस बर्तन को खाली नहीं लाना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ भर के लेके आना चाहिए। आप बाजार में जाते हैं इस दिन, बहुत से यूट्यूब पे मैंने देखा है, चैनल वाले लोगों को बताते हुए देखा है कि वो बताते हैं कि आप इस दिन बर्तन खरीदें, बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ है, पर वो बर्तन लाते वक्त आपको खाली नहीं लाना चाहिए। उसमें आप चावल भर के लाए, आप उसमें चीनी भर के ला सकते हैं, कुछ जल ला सकते हैं। तो इन चीजों का आप खासा ध्यान रखें। और आपको और भी फायदा चाहिए तो एक बात मेरी नोट करके लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, जब भी आप, मतलब आप धन्वंतरी के दिन, आज धनतेरस के दिन जब आप कलश खरीद रही, वो कुछ भी हो सकता है, पीतल का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, आपकी पॉकेट के ऊपर हो सकता है, वो पीतल का खरीदे बेहद उत्तम। तो आप वो कलश में लाएंगे तो उसमें चावल भर लेना, पूरे आपने चावल भर लिए, उसमें आप 1 रुपए का सिक्का नहीं तो 1 चांदी का कॉइन डाल के उसमें छुपा कर अपने घर में लेके आएंगे। आप देखते 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 आपके इतने प्रॉब्लम जल्दी में सॉल्व होंगे, और ये आपकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन भी चेंज होएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इस उपाय को आप पूरी शिद्दत के साथ करिएगा तो आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। भगवान धन्वंतरी जी को विष्णु का अवतार माना गया है। तो दोस्तों, आज के दिन यम का दीपक जलाना, दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाना का भी बहुत ही महत्व होता है। आज के दिन 13 दिए जलाने का भी महत्व बहुत गुना होता है। तो आज के दिन आप 13 दीपक जरूर जलाए, साथ ही साथ आप यम का दिया दक्षिण दिशा की ओर जलाए। वो दिया याद रखे कि वो चौमुखी दिया हो। यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। तो आज के दिन हमें दक्षिण दिशा में यम का दीपक जरूर जलाना चाहिए, साथ ही साथ हमें उत्तर दिशा में, अपने घर के उत्तर दिशा में या अपने ऑफिस के उत्तर दिशा में एक घी का दीपक जलाना है। उसमें चुटकी भर हल्दी डालनी है और हमें ओम कुबेराय नमः का जाप करना है, क्योंकि उत्तर दिशा जो होती है वो कुबेर की होती है, वो धन की दिशा होती है। तो इस बात का खासा ध्यान रखें और धनतेरस के दिन आप ये उपाय जरूर करें। उसके बाद
मैं अब आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसमें से आप सारी की सारी नहीं भी खरीद पाए तो कुछ एक चीज भी आप पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ खरीद लेना तो भी आपका धनतेरस अच्छा ही होगा। पर ये कुछ बातें होती है खास जो आप खरीद सकते हैं तो आपकी जितनी आर्थिक स्थिति है या आपके पॉकेट जितना अलाउ करे उसमें से आप एक चीज खरीदेगा जरूर। तो पहले आप इस दिन खरीद सकते हैं इत्र, रुई, इसके बाद आप खरीद सकते हैं सोना, चांदी, श्री यंत्र, गोमती चक्र, कौड़ी, आप साथ ही साथ गणेश, श्री गणेश, लक्ष्मी जी, उसके साथ आप चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, सोने के बर्तन खरीद सकते हैं। आज के दिन गुड़ खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। आज आप कुछ खरीदना खरीदे आज के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन आप अपने घर में राशन जरूर डलवाए, उसमें आप चावल जरूर डालें। साथ ही साथ आज आपको धनिया खरीदनी चाहिए, गुड़ खरीदना चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों में भी बहुत सारी खुशियां होती है और ढेर सारा फायदा होता है। जरूरी नहीं कि हम आज के दिन सोना चांदी बड़ी बड़ी चीजें ही खरीदे, इसने ये खरीदा तो हमने भी वो खरीदना जरूर चाहिए। हमें बस अपने मन के भाव अच्छे होने रखने चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों में भी ढेर सारे आप अच्छी बातें कर सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर। अगली आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। बस बने रहिए गुड वाइब्स के साथ।